आप लाइफ को किसी भी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो, जैसे कि लाइफ एक लूडो है, लेकिन इसका लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ लूडो मूवी के बारे में, जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। तकरीबन ये 2.5 घंटे की मूवी है। इतनी लेंथी मूवी इसलिए बनी क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा करेक्टर है। अब उनका एक दूसरे से रिलेशन बताना और उनकी खुद की कोई कहानी बताना, तो इसके लिए तो टाइम लगता ही है ना। इस मूवी को डायरेक्ट किया अनुराग बसु ने। इसके अंदर कास्ट है अभिषेक बच्चन, राजकुमार राव, आदित्य रॉय कपूर, पंकज त्रिपाठी, सान्या मल्होत्रा और बाकी अन्य कलाकार। अबे इतने और ज्यादा नाम लिख लेता मैं, रिव्यू करने थोड़ा ना बैठा हूँ यहाँ पे, तो कास्ट के नाम लेने बैठा हुआ हूँ मैं। तो अब इस मूवी की कहानी की बात कर लेते हैं। ये चार गोटियां हैं, बिट्टू, आकाश, आलोक, राहुल। ये चारों गोटियां जो है वो एक ही इंसान के घर पे जाके मिलती हैं, जिसका नाम है सत्तू भैया। अब कौन सी गोटी से शुरू करें, किससे शुरू करें? चलो मैं आकाश से शुरू करता हूँ। ये इंसान जो है वो सत्तू भैया के पास इसलिए जाता है, सत्तू भैया वैसे डॉन है यहाँ पे, मतलब बहुत बड़ा गैंगस्टर, मतलब गैंगस्टर दिखाया गया है। तो आकाश इसके पास इसलिए जाता है क्योंकि आकाश ने अपनी महिला मित्र के साथ कुछ संभव कर लिया था। कुछ क्या मतलब, संभव कर लिया था, तो उसकी जो वीडियो है वो इंटरनेट पे वायरल हो गई थी। अब पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस कहता है हमारे पास तो कुछ हो नहीं सकता, इसलिए आप कहीं और जाके मतलब कुछ कर लीजिए। तो ये इसलिए सत्तू के पास जाता है। सत्तू के पास मतलब साइबर सिक्योरिटी वाले बंदे बिठा रखे, कहां से बुलाए थे इसने इसे। और वहीं पर इसे बिट्टू मिलता है। बिट्टू पहले सत्तू के साथ काम किया करता था, लेकिन उसको किसी लड़की से प्यार हो गया, इसलिए उसने सत्तू का साथ छोड़ दिया। सत्तू इस बात से नाराज हो गया। अब यही होता है ना, लड़की मिलती है तो मतलब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना, समझ रहे हो ना तुम। वो सत्तू के पास इसलिए आया होता है क्योंकि उसकी जो एक्स वाइफ थी उसकी एक्स वाइफ का न्यू हस्बैंड सत्तू ने पकड़ रखा था, क्योंकि उससे कुछ रुपए लेने थे, इसलिए उसे बचाने आया था। एक मिनट, उसको बचाने क्यों आया था, मरने दो ना साले को। और वहीं पर होती है तीसरी गोटी, जिसका नाम है राहुल। अब राहुल जो एक तरीके से आम इंसान समझ रखते हो, आम नागरिक समझते हो, और देखो आम नागरिक की तो हर कोई मार के चला जाता है, और ऐसा ही इसमें किया गया। सत्तू ने बिना वजह इस इंसान को पकड़ के अपने पास रख लिया। वैसे आम इंसान की किस्मत खुलती है, इसको पैसा ही मिलता है, इसको लड़की मिलती है, लेकिन लड़की को ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती, मतलब क्या सोच के, फिर एक मिनट, तुमने क्या सोच के उससे प्यार किया, मतलब तुम उससे बात नहीं कर पा रहे, उसकी कन्वर्सेशन तुम्हें कुछ नहीं पता उसके, फिर तो एक ही चीज बनती है ना, ठरक हो तुम साले, तुम चमड़ी साले। अब चौथी गोटी बचती है, जिसका नाम है आलोक। अब ये आलोक जो है भारत के 50% युवाओं को मतलब एक तरीके से उनको रिप्रेजेंट करता है। अब वो कैसे रिप्रेजेंट करता है मैं समझाता हूँ। देखो ज्यादातर लड़कियां जैसे जिन लड़कों का मतलब काट के चली जाती है, वो मतलब अब लड़के जो है यूज टू हो जाते हैं लड़कियों के लिए, मतलब आती है लड़की उनका फायदा उठाती है और उनको डंप करके चली जाती है। एक तरीके से ये आलोक वही है, मतलब 50% जनता, भारत की युवा जनता को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ऐसा ही तो होता है ज्यादातर लड़कों के साथ। ये एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम होता है पिंकी। पिंकी की किसी और से शादी हो गई होती है, मतलब इसको धोखा मिल गया होता है। पिंकी का हस्बैंड एक मर्डर केस में फंस जाता है, उस मर्डर को किया होता है सत्तू ने, और फिर पिंकी भागी भागी जाती है इस आलोक के पास, कहती प्लीज मेरे हस्बैंड को बचा लो। इसलिए ये सारे के सारे चारों अब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। अब इन चारों को मिलाकर तरीके से कहानी बनाई गई है, जिस कहानी में आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी, टर्न एंड ट्विस्ट कुछ थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, लेकिन इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। हाँ, कॉमेडी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, लेकिन कॉमेडी भी इसमें किस्तों में की गई है, मतलब रह रहकर हंसी आती है, मतलब कभी हंसी आई थोड़ी देर बाद अगले में नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल आदित्य रॉय कपूर ने जिसने प्ले किया आकाश का करेक्टर, उसमें जो उसने एक जो कॉमेडियन का किरदार इसमें निभाया, एक पुतला अपने हाथ में लेके ऐसे बोलने वाला, तो उसको उसको देखकर यार बहुत ज्यादा बोरियत हुई थी, मतलब मैं उबासी ले रहा था। मैं सोच रहा था मैं इस चीज को डालने की क्या जरूरत थी, मतलब तुम क्या बताना चाह रहे थे, क्या हंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सच में 1% भी हंसी नहीं आई उस चीज से। और हमारे प्यारे अभिषेक बच्चन जी को बोलने के लिए ज्यादा लाइनें इसके अंदर नहीं दी गई, लेकिन लगता है कि उन्होंने वृत्त का करेक्टर इसी के अंदर प्ले कर दिया, मतलब वही सेम टू सेम आप हाँ कंपेयर कर सकते हो, दोनों लगभग एक जैसे ही थे इसमें। अब जब अगर परफॉर्मेंस की बात चली पड़ी है, तो पंकज त्रिपाठी सर पीछे कहां रहने वाले, उन्होंने तो यार इसमें कमाल कर दिया, और सच में उनकी एक्टिंग मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है इस मूवी के अंदर। और तो राजकुमार राव सर ने भी बहुत अच्छा काम किया, बाकी सबने भी अच्छा काम किया, लेकिन पर्सनली मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, काफी ज्यादा मुझे पसंद आए हैं। और वो जो छोटी बच्ची है वो बहुत प्यारी थी, उसने भी बहुत अच्छा काम किया। और आदित्य रॉय कपूर को मुझे लगता है कि उनको हंसने के लिए रखा था और वो हंस ही रहे थे, मतलब उनका यही काम था क्या। सच में जब मैं इनको देख रहा था स्क्रीन के ऊपर, तो मैं ये सोच रहा था कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, इस मूवी को इन्होंने सीरियस ले रखा है, मतलब लग तो नहीं रहा था मुझे ऐसा कुछ। अब इस मूवी का मैं एक सीन आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, मतलब मुझे वो काफी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा दर्द दिया, इसलिए आप लोगों के साथ डिस्कस करना मैंने सोचा कि करना चाहिए। अब बिट्टू जो होता है वो अपने घर में होता है। अब बिट्टू के पास उसकी वाइफ जाती है, नहीं उसकी एक्स वाइफ जाती है, वो कहती है कि प्लीज मेरे हस्बैंड को बचा लो, मेरे हस्बैंड को सत्तू पकड़ के ले गए, मतलब उसके न्यू हस्बैंड को सत्तू पकड़ के ले गए। अब उसके लिए वो डायलॉग मारती है, कहती है कि तेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है,
तेरी वजह से उसको सत्तू को पकड़ के, लेकिन सत्तू के ऊपर तो ऑलरेडी मतलब उसने रुपए ले रखे थे ना, इसलिए लेके गए थे। अगर तुम उससे प्यार करता है तो तू सत्तू को लेके आएगा। अबे सटक गई है क्या वो, 6 साल पहले जेल में रह के आया, ऊपर से उसकी वाइफ ने पीछे से किसी और से शादी कर ली, उसकी जो बेटी है उसको मिलने नहीं दिया जा रहा, उसको इवन बेचारे को यही नहीं पता उसकी बेटी कैसे दिखती है। रहम करो यार, वो इंसान 6 साल से जेल में था, अब वो आराम से अपनी कोठरी के अंदर सो रहा है, उसको सोने दो। लेकिन नहीं, डायलॉग मार के उसको भेजना था ना, क्या सोच के लिख रहे थे राइटर भाई साहब ये सब यार। मतलब लड़कों के दिल में, मतलब दिल में दर्द नहीं होता क्या? होता है, होता है यार। इसकी जगह सच कहता हूँ ना, विलियम बुचर होना चाहिए था। विलियम बुचर तुम नहीं जानते? अरे द बॉयज, द बॉयज देखो यार, वो इंसान सच में अगर वो होता ना, वो जाके मार के आता उसको वो। और कमीनगिरी किसे कहते हैं, ये विलियम बुचर से ही सीखना चाहिए, कसम से बहुत ज्यादा कमीना इंसान है वो। मूवी देखो यार, कभी इंटरेस्टिंग होती है और कभी बोरिंग हो जाती है, इस आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि वन टाइम वॉच मूवी है। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 5 out of 10 स्टार। अगर किसी ने मूवी देख रखी तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये कैसी लगी। अगर नहीं देखी तो मैं यही कह रहा हूँ कि, कह रहा हूँ क्या, मैंने कह दिया, वन टाइम वॉच है, तो जाके देख सकते हो एक बार। बट मुझे नहीं लगता कि आप इसको दोबारा देखने के लिए सोचोगे भी, मेरा तो मन नहीं कर रहा, बट आपके ऊपर, आपका मतलब आपका अपना दिमाग है, आप खुद यूज कर सकते हो। खैर बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।